नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर साल गोरखपुर में हजारों बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बेहतर शिक्षा के लिए अलग अलग जिलों से यहां आते हैं। उनमें से ज़्यादातर बच्चे यहां के यूपी बोर्ड के टॉप कॉलेजेस में पढ़कर अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉप यूपी बोर्ड से संबंधित कॉलेजेस की बात करेंगे जो कि गोरखपुर शहर में स्थित है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। गोरखपुर शहर में यूपी बोर्ड के बेस्ट कॉलेजेस में से सबसे पहला कॉलेज है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज। ये कॉलेज बैंक रोड गोरखपुर में स्थित है। बता दें, इस कॉलेज की जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दूरी है वो है 2.3 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर। ये गोरखपुर की सभी पुराने कॉलेजेस में से एक है। यहाँ के अनुभवी शिक्षक, अनुशासन, बेहतर सुविधाएं, ये सभी मिलकर इस कॉलेज को एक बेहतर कॉलेज बनाती हैं। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में क्लास 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा रेगुलर क्लासेस के माध्यम से प्रदान की जाती है। बता दें, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाई होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मीडियम में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आप बेहतर शिक्षा का लाभ, अनुशासन, बेहतर सुविधाएं जैसे कि बेहतर साइंस लेबोरेटरी, बड़ा प्लेग्राउंड और अनुभवी टीचर्स के साथ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से ही करनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। ये कॉलेज बक्सीपुर रोड पर स्थित है। बता दें, इस कॉलेज की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है 2.3 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर। ये कॉलेज भी गोरखपुर की पुरानी कॉलेजेस में से एक है। क्योंकि ये एक पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए इसकी फीस सभी कॉलेजेस की तुलना में थोड़ी कम है। यहाँ पर भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में कराई जाती है। यहाँ पर एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा ही दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप हॉस्टल में रहकर इस कॉलेज में शिक्षा का लाभ लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। हमारे लिस्ट का जो तीसरा कॉलेज है वो है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। ये कॉलेज सिविल लाइन हरिओम नगर में स्थित है। बता दें, इस कॉलेज की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है 1.7 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर। यहाँ पर भी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में कराई जाती है। इस कॉलेज में भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन मिलता है। बता दें, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज की तरह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का भी अपना एक हॉस्टल है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक बेहतर हॉस्टल का भी लाभ मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं चौथे नंबर के कॉलेज की। चौथे नंबर पर जो कॉलेज है वो है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ये कॉलेज आर्य नगर गोरखपुर में स्थित है। बता दें, इस कॉलेज की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है 2.1 किलोमीटर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर। इस कॉलेज की फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा का स्तर सभी कॉलेजेस की तुलना में बेहतर है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी भी एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के रेगुलर क्लासेस मात्र से ही आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और हमारे लिस्ट का जो पाँचवें नंबर पर कॉलेज है वो है सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज। और ये कॉलेज शास्त्री चौक गोरखपुर में स्थित है। और इस कॉलेज की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से जो दूरी है वो है 3.1 किलोमीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर। यहाँ पर भी सभी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में संचालित की जाती हैं। इस कॉलेज में भी एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही होता है। बेहतर शिक्षा के लिए आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे लिस्ट का जो सबसे लास्ट नंबर वाला कॉलेज है वो है MSI इंटर कॉलेज। ये कॉलेज बक्सीपुर में स्थित है। बता दें, इसकी दूरी गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2.8 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर। ये कॉलेज भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी और कॉलेजेस की तरह लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और बता दें, इस कॉलेज में भी एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा ही होता है, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे गोरखपुर शहर के कुछ टॉप यूपी बोर्ड से संबंधित कॉलेजेस।
आशा है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बता दें, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फॉर्म मार्च या अप्रैल महीने में मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो टाइम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर कॉलेज में ज़रूर सबमिट कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।